हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस नए मोटिवेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम एक सुनाने वाले हैं मोटिवेशनल कहानी, बुराई पर अच्छाई की जीत की एक ऐसी कहानी जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। दोस्तों वैसे तो रामायण में बताई गई हर एक चीज़ हमें कुछ न कुछ सिखाती है, लेकिन आज रामायण से जुड़ी एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी के जरिए हम आपको उन तीन ज्ञान की बातों के बारे में बताएंगे जो स्वयं लंकापति रावण ने अपने मृत्यु के समय लक्ष्मण को बताई थी। ये तीन बातें आज भी हम सभी के लिए जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। रावण जो कि स्वयं एक परम ज्ञानी था, लेकिन अपने घमंड और शक्ति के वजह से उसने वो काम कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था, और वही एक काम उसकी मृत्यु का कारण बना। रावण बुराई का एक प्रतीक था, लेकिन उसमें ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, जिसके चलते उसने लक्ष्मण को तीन बातों के बारे में बताया जो हम सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इस मोटिवेशनल वीडियो के जरिए हम उन तीन बातों को जानेंगे और समझेंगे। श्री राम द्वारा मारे गए तीर की वजह से जमीन पर पड़ा रावण जिस समय अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, उस वक्त श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि रावण एक महाज्ञानी पंडित है, उसके जैसा ज्ञान इस संसार में किसी के पास नहीं है, तुम उसके पास जाओ और जो भी वो ज्ञान दे उसे प्राप्त करो। राम के कहने पर लक्ष्मण रावण के पास गए। जमीन पर पड़ा रावण अपनी अंतिम सांस ले रहा था और लक्ष्मण जाकर उसके सर के पास खड़े हो गए और बोले, हे रावण, तुम परम ज्ञानी हो, अपने आखिरी समय में मुझे कुछ ज्ञान की बातें बताकर जाओ। रावण ने लक्ष्मण की तरफ देखा और उससे मुंह फेर लिया। लक्ष्मण ने एक बार फिर यही प्रश्न किया, लेकिन रावण ने लक्ष्मण की तरफ देखा भी नहीं। रावण ने इस व्यवहार को देखकर लक्ष्मण को गुस्सा आ गया और वह श्री राम के पास गए और जाकर सारी बातें उन्हें बताई। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम बोले, गुरु से शिक्षा उनके पैरों के पास बैठकर ली जाती है, ना कि उनके सर के सामने खड़े रहकर। राम की बात सुनकर लक्ष्मण रावण के पैरों के पास बैठ गए, जिसके बाद रावण ने उन्हें ज्ञान की वो तीन बातें बताईं जो सिर्फ लक्ष्मण के लिए ही नहीं बल्कि आज भी हम सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई, किसी भी शुभ काम को करने के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। कोई भी अच्छा काम जितना जल्दी हो सके उसे कर देना चाहिए और बुरे काम को हमेशा टालते रहना चाहिए। दूसरी बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई, अपने शत्रु या प्रतिद्वंद्वी को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तीसरी बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई, अपने जीवन को ऐसे गुप्त बातें जिससे अपने भविष्य में परेशानी हो वो बातें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए, फिर चाहे वो आपका भाई ही क्यों ना हो। तो दोस्तों यह तीन ज्ञान की बातें आज भी हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें अच्छे और सही कामों को करने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए और बुरा तो कभी करना ही नहीं चाहिए। अच्छे काम को करने का नतीजा हमेशा अच्छा मिलता है, लेकिन गलत काम करने का नतीजा हमेशा गलत का ही होता है। कभी कभी हमारे गलत काम की हमारे अंत का कारण बन जाते हैं। रावण का अंत भी बुरे और गलत काम के वजह से ही हुए। बिजनेस हो या फिर स्टडी या फिर निजी ज़िंदगी में हमें कभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी या अपने शत्रु को खुद से कम नहीं समझना चाहिए। हमारा प्रतिद्वंद्वी हमारा दुश्मन नहीं होता, लेकिन अगर हमें उससे आगे बढ़ना है तो हमेशा ये याद रखना चाहिए कि वो भी हमसे आगे निकल सकता है। इसीलिए हमेशा अपनी तैयारी पूरी रखें और ये न सोचें कि आपका कंपटीटर्स आपके सामने कुछ भी नहीं है। जो आता है सिर्फ आपको ही आता है। जो कुछ आप कर सकते हो वो कभी नहीं कर सकता। इसके साथ आप कोई भी ऐसा काम मत करिए जिसकी वजह से आपकी किसी के साथ दुश्मनी हो जाए। साथ ही अपने राज कभी भी किसी को नहीं बताने चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती है जो ज़्यादा फैल जाए तो उससे हमारी ज़िंदगी में बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए कुछ बातें ऐसी होती है जो कि हमें सीक्रेट रखनी चाहिए, किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, ताकि भविष्य में आपको उनके फैलने का डर ना हो। साथ ही कई लोग दूसरे भी हम पर भरोसा करके हमें अपने कुछ सीक्रेट्स बता देते हैं, तो उन्हें भी आप किसी को न बताएं और कोशिश हमेशा ये करें कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा गलत काम ना करें जिसको छुपाने की ज़रूरत पड़ जाए।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको क्या सीख मिली वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।